तो मायने में शांतु दुनिया आप जो देख रहे हैं DRX हैप्पी ब्लॉग, तो इस ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग आज के रावण पार्ट टू लेके, मतलब रावण की जो मार्केट है उसका पार्ट टू लेके, तो अभी हम हैं कहाँ पे, जहाँ पे पिछली बार से यार, अभी भी हम हैं गोल चौराह के ऊपर। और सामने देख सकते हैं कि सिग्नेचर का आपको बोर्ड गिरा हुआ जो कि ऋतिक रोशन उसका ऐड कर रहे हैं, वो बात एक अलग है। और मैं चलता हूँ सीधे रावण की आपको मार्केट दिखाने के लिए, क्योंकि नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो इसका मतलब है कि यार अगर हम आपको बताएं तो लगभग कितने 7 दिन बचे हैं रावण को आने में, तो दशहरा आने में। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हो, सीधे मिलते हैं रावण की मार्केट में आपसे। तो यार हम रात में रावण की, अच्छा ये बता दें, यह है कि अभी गोल चौराहा का जस्ट सामने जो आया है वहीं पे पहले तो ये मार्केट है। और दूसरी बात ये है कि हम आपको दिखाते हैं कि रावण मतलब चालू कहाँ से है। मतलब यार हम काफ़ी रात में आ गए हैं, ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आय हाय हाय है रावण, देखिए आप ये देखिए, छोटे छोटे रावण एकदम बनना चालू हो गए हैं, और जो कि काफ़ी अच्छे लग रही, देखिए बड़े का भी रखा हुआ है, मुंह बन रहा है, ये देखिए यार भाई एकदम। तो देखो छोटा सा मुंह, बड़ा सा मुंह, मतलब बीच का रावण, उससे बड़ा रावण ये लेटा हुआ है। और रावण देखिए, ये दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो पीछे हैं। और देखो भाई रावण, हाय 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 रावण है, क्यों भैया, ए भाई इधर आओ, ये रावण कितने का बड़ा वाला, 20,000 का, ये रावण कितने का है, हाँ काफी बड़ा है। तो ये देखो मुँह एकदम रखा हुआ है गजब का एकदम, ये देखो। तो इन्होंने रावण जो बन रहे हैं अलग अलग हैं, देखिए काफ़ी सारे उधर भी मुँह रखे हुए हैं। यहाँ पे दुर्गा जी की मूर्ति रखी हुई है, मतलब इन्होंने बनाई होगी ये, मतलब अभी की जो हमें खरीद नहीं पाए लोग। और आगे भी रावण हैं काफ़ी सारे, वो भी आपको दिखाएंगे, उससे पहले हमको यह टर्न लेना पड़ेगा। और भाई बहुत गदर रावण, मतलब गदर मतलब बता दें तो बहुत बड़े बड़े रावण बनाए जा रहे हैं। ये देखो एक रावण का ये रखा हुआ है पेट, और रे भाई साहब उधर अगर मैं दिखाऊं तो आप कहेंगे जल्दी से बस खाली उतर, फांद लो गाड़ी, फंदा लो। तो आगे से टर्न लेते हैं भैया, गदर समझते हो ना आप, वैसे रावण रखे हुए हैं। और भैया मज़ा आ जाएगी, गारंटी की बात मेरी है, और ना ही तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको हम दिखाएंगे ज़रूर भैया आज आपको। अगर आपका दिल ना खुश कर दिया रावण पार्ट टू में, तो हमारा नाम शांतनु द्विवेदी नहीं। तो जल्दी से मोड़ते हैं इस टर्न से, और आपको दिखाते हैं भाई गदर रावण, गदर समझते हैं आप, मतलब भैया रावण तो हैं ऊपर से गदर हैं, गदर मतलब बहुत गजब। तो यहाँ से धीमे से बोलते कानपुर की मार्केट है ये, पहले मैं बता दूँ कानपुर में कल्याणपुर की। तो भैया देखो इधर से रावण चालू हैं, अच्छा उसमें दिन में दिख नहीं रहा होगा कायदे, वो बात अलग है। ये देखो एक मुंह रखा हुआ है, सर रखा हुआ है, बाकी लोग रावण बनाने में लगे हुए हैं। देखो ये पैर और जूते हैं, आप अगर देख पाए तो ठीक है, पैर और जूते थे वो। वो भैया जैसे आगे पहुँचेंगे तो गदर गदर एकदम आएंगे, देखो आओ दिखाते हैं आपको आगे। देखो ये एक है, ये देखो भैया बना रहे हैं, तो भैया आप रावण बना रहे हो क्या, ये पैर है क्या, हाँ ढांचा है बीच का, क्या प्राइस चालू होता है रावण भैया, दो सौ रुपये से लेके 20,000 रुपये तक का, मतलब काफ़ी बड़े बड़े बनाते हैं रावण। तो पूरे कब तक रावण तैयार हो जाएंगे, ये तैयार हो जाएंगे आपको 30 तारीख तक पूरे रावण तैयार, 30 तारीख को, 3 तारीख को, अच्छा अच्छा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े रावण बन रहे हैं, आएंगे चलते हैं आगे भी देखते हैं। और मतलब काफ़ी बड़े बड़े रावण उन्होंने बनाए हैं, देखो भाई 200 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक का रावण इनके पास है। और यहाँ पे सभी लोग रावण ही बनाने में जुटे हुए हैं, ये देखिए एकदम मतलब बड़ा बड़ा रावण बना रहे हैं ये लोग, स्पेशल रावण बनाते। देखिए ये देखिए पैर बना के रखा है इन्होंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पैर, बाकी पुतले हैं ये देखिए, मतलब ये सभी लोग रावण की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एक सीज़न ऐसा आता है कि रावण ही जो है, मतलब इनकी भी हर मतलब त्यौहार आता है लोग कर सकते हैं ये लोग। ये देखो रावण के सिर्फ ढांचे ढांचे हैं, और ये देखो भाई साहब, क्यों भैया ये वाला रावण कितने का, ये वाला जो परा लेटा हुआ है, हाँ 2200 रुपये का, 12 फुट है ऊंचाई, 12 फुट अच्छा, मतलब इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े रावण बनाए हैं, खाली लेके जाना है,
बिल्कुल सब रेडी मिलेगा। ये रावण के मुंह है। कितने रुपए से रावण चालू होता है आपके यहाँ? रावण कितने रुपए चालू होता है? रावण को जो है मेन रावण का मुद्दा होता है 6-7 फुट का 1500 रुपये। 6-7 फुट का 1500 रुपये पर 1500 चालू होता है। और फिर ये कितने में कितना महंगा जाता है? अच्छा 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 लंबाई के ऊपर है। अच्छा अच्छा तो बहुत सारे रावण हैं ये तो एकदम। वो जो सबसे छोटा वाला रखा है वो कितने का है? वो जो रखा है एकदम छोटा वाला 1200 रुपये का है। बहुत बढ़िया। तो देखो भैया इनके पास भी रावण है लेकिन इनका थोड़ा सा महंगा है। उनका तब भी ठीक था 2200 रुपये का बड़ा रावण दे रहे हैं। और ये देखो ये लगभग मतलब यार अगर हम बताएं तो 5000 रुपये का रावण इतना बड़ा मिल जाएगा कि उसकी कोई सीमा नहीं। पता है रावण महंगा नहीं आता है, मैं आपको बताऊं रावण तो भाई देखो महंगा नहीं आता। ये देखो मुँह रखा हुआ रावण का एक आगे भाई साहब देखो एक ये बना रहे हैं। ये रावण नहीं है मैं आपको बता दूँ, मतलब अगर मैं बताऊँ तो रावण का जो है रावण महंगा नहीं आता है। ये जो रावण के बड़े बड़े रावण हैं ये सब, ये देखिए आप लोग पेड़ है इनकी सब पेड़ बना रहे हैं। रावण ज़्यादा महंगा नहीं आता है लेकिन रावण में जो पटाखे लगते हैं वो बड़े महंगे आते हैं। देखो ये सामने रावण है वो हमको बहुत गदर लग रहा है तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए भैया ये रावण का पेट है इतना गदर लग रहा है। इससे बड़ा भी एक ऊपर रावण है एक नीचे रावण है। ये देखिए मतलब काफ़ी लोग मेहनत करते हैं रावण बनाने में। एक छोटा सा रावण है देखिए ये रखा हुआ है, ठीक है एक ये रावण रखा हुआ है। मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे रावण रखे हुए हैं। ये देखो एक छोटा सा रावण ये रखे हुए हैं। मतलब जो है सोसाइटी में भी लोग अपने अपने घरों में भी रावण जलाते हैं। सोसाइटी समझते हैं क्योंकि जो फ्लैट्स टाइप के होते हैं वहाँ पर भी अपने घर में रावण इंसान जलाना चाहता है। ये जो आपको आपको मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ, ये जो लोकेशन है गोल चौराहा है। गोल चौराहा के जस्ट सामने मार्केट लगती है पूरी। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको रावण के चालू हो जाएंगे। गोल चौराहा से हम लोग गुमटी की तरफ बढ़ते हैं तब की ये लोकेशन ये। और कानपुर में कल्याणपुर में गोल चौराहा गुमटी के पास आइए आप ले जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और यार प्यार दिया करो यार। चलो वीडियो थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।